नमस्कार। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी कक्षाओं के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पिछले वीडियोज में हमारी जो पोइम एक है, दी रोड नॉट टेकन, दी रोड नॉट बी टेकन, रास्ता जिसे छोड़ दिया गया, कविता है। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये नेचर पोइट हुए हैं। उस अंतरे में आपको ये बताया गया था कि कवि चल रहा था उस दिन, और चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंच गया कि वहां से उसको दो रास्ते दिखाई दिए। जंगल के किनारे चला गया, लेकिन अब दो रास्ते जा रहे थे तो एक आगे चार झंखार थे, रोड भी जा रहा था। वहाँ वो सोचता रहा कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। आज उससे आगे, उससे पहले हमारे कुछ शब्दार्थों ने देखी, टुक चल पड़ा, जस्ट एज ठीक, फेयर सही, ग्रेजी घासदार, बेटर क्ले बेहतर दाव अधिक अच्छा, द यद्यपि, हैड बॉन टूटी फूटी थी, से समान, वियर नया, इक्वली समान रूप से, ले पत्तियां, इन लीव्स ऑफ स्टाफ, स्टेप्स हैड ट्रडन ब्लैक, अर्थात पत्तों से ढका हुआ किसी के पैरों से कुछ लिवी तो रास्ता ट्रैक रहा था। फर्स्ट पहला स्टेप रखा, डाउट संदेह, लीड्स जाता है या जाना, एवर कभी, ये यहाँ पे कुछ शब्दार्थ थे। देन तब कभी है जो वहाँ से चल पड़ा, टुक दी अदर, तो कभी ने क्या किया, दूसरे रास्ते को अपना लिया। जस्ट एज फेयर, उसको उसने ज़्यादा अच्छा समझा, एंड हैविंग परहैप्स दी बेटर क्ले, और उसने उसको ज़्यादा अच्छा समझा कि शायद मैं इस रास्ते पे चलूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेजी, क्योंकि वह घासदार था, एंड वांटेड वियर, और उसको नया रास्ता लग रहा था कि शायद इस रास्ते पे कोई गया नहीं। दो यद्यपि एज फार दैट दी पासिंग देयर, किंतु यद्यपि जैसे ही वह उस रास्ते पे चला, उसको ज़्यादा देर नहीं हुई थी, और जैसे ही वहाँ चला तो उसने देखा कि हैड वॉन दी रियरली अबाउट दिस हैंड, तो वह जैसे आगे चला तो उसे लगा कि वह रास्ता भी पहले रास्ते जैसा ही था, लगभग समान था, और लगभग उनकी जो रास्ते से जो निशान बन रहे थे, घास की जो पत्तियां थी, वह रास्ता घिसा हुआ नजर आ रहा था, अर्थात पत्तियां टूटी फूटी दिखाई दे रही थी, और ऐसा लगा कि शायद वह पहले एक सही रास्ता था। दूसरा, इसी में तीसरा अंतर है अपना, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, उस दिन सुबह जब कभी जा रहा था तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह दोनों रास्ते लगभग समान थे, लगभग समान रूप से थे, नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, और ऐसा लगा कि शायद रास्ते पर कोई ज़्यादा व्यक्ति नहीं चले थे, जिसके कारण वह घास की पत्तियां काली नहीं पड़ी थी और लगभग ठीक थी। और तभी आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कवि के दिमाग में विचार आया कि मैं उस पहले रास्ते को किसी दूसरे दिन जाऊंगा, उसका उपयोग किसी बाद में कर लूंगा। यद नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यद्यपि वह जानता था, हालांकि वह जानता था कि ये जो रास्ता उसने अपनाया है दूसरा, वह रास्ता आगे जाकर के कई रास्तों में मिल जाएगा, और उसके कई रास्तों से वो मिल जाएगा, और उसको पता था कि मैं वापस इस रास्ते पे नहीं आ पाऊंगा। आई डाउट, मुझे संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस इस रास्ते पे आ पाऊंगा। ऐसा कभी नहीं। भाव ये है कि हमारे जीवन में हमें सही रास्ता चुनना चाहिए,
और हम ये सोचते हैं कि पहले इस काम को कर लेते हैं, बाद में उसको आकर के कर लेंगे, तब तक बहुत विलंब हो जाता है और शायद हम उस रास्ते पर वापस नहीं आ सकते। इसलिए कवि ये कहना चाहता है प्रकृति के माध्यम से कि व्यक्ति को जीवन में सही रास्ता सही मार्ग अपनाना चाहिए। प्रश्न है, विच रोड डिड द पोएट चूज, कौन सा रास्ता कवि ने चुना? द पोएट चूज द अदर वे, कवि ने दूसरा रास्ता चुना। हाउ हैड द रोड्स बीन वॉर्न, सड़क किस प्रकार जो रास्ता था टूटा फूटा था, द पीपल पासिंग कैसे टूटा फूटा था, द पीपल पासिंग फ्रॉम दी देयर वॉर्न द रोड, लोगों के जाने से गुजरने से वह जो रास्ता है उस पर निशान पड़ गए थे और उसकी जो दोब है, दोब की पत्तियां हैं वो खुचली गई थी। Why did the other road have the better clay? दूसरे रास्ते को उसने ज़्यादा अच्छा बताया, अधिक बेहतर बताया, क्यों बताया? Because क्योंकि the other road had the better clay, दूसरे रास्ते को अच्छा बताया, because क्योंकि it was greedy, क्योंकि वो हरा भरा था, and was not pursued, और उसका ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ था। What was the condition of the both of the roads that morning? उस सुबह दोनों ही रास्तों की स्थिति क्या थी? Both the roads were equally covered with leaves, दोनों ही रास्ते पत्तियों से ढके हुए थे, and nobody had traveled on them, और कोई व्यक्ति शायद उस पर उनके ऊपर यात्रा करके गुजरा नहीं था। What did the poet decide about the first road? पहले रास्ते के बारे में कवि ने क्या तय किया, क्या निश्चय किया? The poet decided, कवि ने निश्चय किया that he would travel on the first road, कि वह उस पहले रास्ते पर कभी यात्रा कर लेगा, on some other day, किसी दूसरे दिन, ऐसा उसने। Why did the poet doubt his walking on the first road? कवि को अपने पहले रास्ते पर जाने के लिए उसको मन में क्या संदेह था? उसके मन में संदेह था कि इट बिकॉज, उसके बारे में ये संदेह था बिकॉज क्योंकि ही न्यू, वह जानता था that the second road would lead him to many new ways, कि जो दूसरा रास्ता है वह आगे चल करके कई रास्तों में जा करके मिल जाएगा, इसलिए शायद उस पहले रास्ते पर दोबारा जीवन में आने का मौका मिलेगा ही नहीं। इस माध्यम से कवि ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें जीवन में सोच समझ करके ठीक रास्ते को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।